हेलो फ्रेंड, जीवी के हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी जीमेल आईडी में अपनी फ़ोटो वीडियो को कैसे सेव कर सकते हैं। यदि आप जीमेल में अपने फ़ोटो और वीडियो सेव कर लेते हैं तो आप उसे किसी भी मोबाइल में जीमेल आईडी खोलकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपके फ़ोटो और वीडियो कभी डिलीट नहीं होंगी। यदि आप जीमेल में फ़ोटो और वीडियो सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि दोस्तों आप वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल में जीमेल ओपन करना है। हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में जीमेल ओपन करना है। जीमेल ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर नीचे एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, कंपोज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जीमेल दिख जाएगी। तो आपको आप जिस जीमेल में अपने फ़ोटो सेव करना चाहते हैं तो आपको जीमेल यहाँ पर लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर इसी जीमेल को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये आपको इस जीमेल को यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में जिसका आप फ़ोटो या वीडियो का आप नाम डालना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। कि मैं अपना यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ कि मैं अपना फ़ोटो डालना चाहता हूँ, तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो या वीडियो कहाँ से लेना है, तो आपको यहाँ पर ऊपर तीन आइकन दिख रहे हैं, एक है सेंड वाला है और दूसरा है थ्री डॉट और एक है उसके बगल से ये लाइन वाला बन रहा है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अटैच ऊपरी ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अटैच फाइल पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करना है। एल्बम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सभी फ़ोटो ओपन हो जाएंगे। आपको जिस फोल्डर से यहाँ पर अपने फ़ोटो लेने हैं उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर कैमरे पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जिस फ़ोटो को यहाँ पर लेना चाहता हूँ उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यदि तो आपको पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जीमेल में सिर्फ 30 MB तक यहाँ पर आप अपना फ़ोटो सेव कर सकते हैं। जितने 30 MB में आप जितने भी फ़ोटो होंगे वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो ले लेता हूँ और आपको यहाँ पर दूसरा फ़ोटो भी ऐसे ही लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अटैच फाइल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको एल्बम पर क्लिक करना है। एल्बम पर क्लिक करने के बाद आपको कैमरे पर क्लिक करना है। कैमरे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा फ़ोटो ले लेना है। तो यहाँ मैं दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फ़ोटो हो चुके हैं और यहाँ पर इन फ़ोटो की MB दे रखी हैं, एक 4 MB का है और एक 3 MB का है। तो आप यहाँ पर 30 MB तक जितने फ़ोटो आ सकते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप 30 MB तक जितने भी फ़ोटो आएंगे वो यहाँ पर आप सभी को ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बीच वाले और ऊपर ही ऊपर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर सेंड हो चुका है। आप नीचे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंड का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिलेगा मी, तो आपको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके दोनों फ़ोटो यहाँ पर जीमेल पर सेव हो चुके हैं। इस तरह आप किसी भी वीडियो को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो आपको सेव करके बता देता हूँ, तो आपको फिर बैक आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। सिल्वर आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा अपनी जीमेल लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर जीमेल लिख ली है। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो का नाम लिख देता हूँ, वीडियो लिख दें। उसके बाद आपको यहाँ पर उस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करना है। अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करना है। एल्बम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो लेना है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो यहाँ पर 1 MB के हैं। तो मैं इसे यहाँ पर सेव करके बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सेंड वाले पर क्लिक करना है। फिर सेंड वाले पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है यहाँ पर जीमेल में सेव हो चुकी है। अब
आप देख सकते हैं कि वीडियो या फोटो यहाँ पर जीमेल में सेव हो चुके हैं। इस जीमेल को आप किसी भी मोबाइल में खोल या लैपटॉप में खोल कर इन वीडियो और फोटो को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।